दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों इस कथा का भाव देखिए, इतना मार्मिक है। कथा को जरूर सुनिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है संत के मुंह में से निकाल कर खाया खाना। आइए कथा श्रवण करें। भगवान के प्रति सबकी अपनी अपनी निष्ठा होती है, अपने अपने भाव होते हैं। एक बाबा का बड़ा प्यार भगवान ठाकुर जी के प्रति था। संत रोज ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर उस भोग को स्वयं खाया करते थे। एक दिन किसी मंदिर में भंडारा था। भंडारे में बहुत सारा भोजन बनना था और बनने के बाद पहले संतों को पवाते, फिर सबको मिलता। इसमें बहुत देर लगती। अब बाबा ने सोचा, बहुत देर हो गई है। तो ये सोचकर बाबा ने मिश्रे का भोग ठाकुर जी को लगाया और मंदिर में चले गए। फिर जब संतों ने पा लिया, तब मंदिर से भंडार गृह से भोग लेकर घर की तरफ चले कि ठाकुर जी को भोग लगाकर हम भी पा लेंगे। जब घर के निकट पहुंचे तो सोचने लगे, मिश्री का भोग तो मैं लगाकर गया था, अब इसकी क्या जरूरत है। और दोने में से उठाकर एक ग्रास खा लिया। जब निवाला मुंह में रखा तो सोचने लगे, जब घर तक आ ही गया था तो भगवान को भोग लगाकर फिर खाता, पर अब तो निवाला मुंह में डाल ही चुके थे। बाबा को इस बात से बड़ा दुख हुआ। बाबा मन ही मन अपने को धिक्कारने लगे, रे पापी, ठाकुर जी को भोग लगाकर खाता तो क्या जाता, घर के बाहर तक तो आ ही चुका था। अब तो बाबा को इतना दुख हुआ कि वह मुंह का ग्रास उगला भी नहीं और निगला भी नहीं। निगला इसलिए नहीं कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया था और उगला इसलिए नहीं कि भंडारे से लाए भोग का अनादर हो जाता। अब तो बाबा घर के बाहर ही बैठ गए और उनके दोनों आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बाबा को ऐसे बैठे हुए 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात को एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आया और बाबा का मुंह अपने हाथ से खोलकर ग्रास निकाला और खुद वह ग्रास खाया। और बाबा कुछ कहते इससे पहले ही वह अंधेरे में गुम हो गया। बाबा अवाक देखते रहे क्योंकि वे इतने दुख में डूबे हुए थे, उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। कुछ देर बाद बाबा अंदर गए और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर रोने लगे और बोले, वाह प्रभु, अपने तुच्छ दास के लिए तुमने मेरे मुंह का ग्रास स्वयं खा लिया। दोस्तों सच है, भक्त का भाव पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।